हाँ तो यार आराम हो गई अपनी सुबह। और हमारी सुबह दिन की 1 बजे होती है, ये देख लीजिए टाइम, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाले हैं ना भैया। हमारी वाइफ जो है बना रही है खाना। और हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। और हमारे व्लॉग हम पहले बनाते थे, अभी स्टार्ट किया है। अभी हमारी बच्ची भी हो गई, देख लीजिए, मिली हमारी बच्ची से, इसका नाम है सेल्फी। और हम वेट चेक कर लेते हैं, हमारा वेट हो गया 84। तो गाइस हमें ये 84.8 वेट को करना है 75। आ जाता है और इसे मालिश वालिश करवानी है, इसलिए रेडी हो रहा है अभी, इसकी नींद खुली है। तो हमारा जो काम होता है पापा को टिफिन देने जाने का, तो हम जा रहे हैं। और ये हमारी बेटी जो है, इसकी भी नींद जो है खुल नहीं रही है। और हम आ गए हैं बालाजी के वाला रोड है, खजराना गणेश मंदिर जाता है यही रोड। तो हम जा रहे हैं हमारे पापा को टिफिन देने के लिए रिद्धि सिद्धि विहार में, जो है हमारे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं। तो इन्हें हम दे देंगे टिफिन। हम पहुँच चुके हैं, इन्हें टिफिन देने के बाद वापिस निकल जाते हैं हम हमारे घर की ओर। और घर पहुँच कर मिलते हैं हम हमारी बेटी से, हमारी मम्मी जी से हम मिल लिए हैं। हमारी बेटी को जो है हमने गोद में ले लिया है। आओ हमारी बेटी। और हमारी, क्योंकि हमारी वाइफ जो है नहा के निकली है, तो बाल सुखा रही है और ये देख लीजिए कैसी मुस्कुरा रही है। और अब ये इसके बाल वाल सुखा रही है, क्योंकि अभी हमें जो है हमारी बच्ची की है मालिश करनी है। ये तैयार हो रही है, कह रही थी मेरी भी वीडियो बनाओ, व्लॉग में मुझे भी आना है। तो इसलिए हमने इसे भी व्लॉग के अंदर ले लिया है। और हम फिर से मिलाते हैं हमारी बेटी से आपको। मालिश ये देखिए है हमारी बेटी के लिए पानी भर के लाने का। तो हम चले जाते हैं, पानी की बाल्टी भर लाते हैं। भाई धूप में ही पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, इसलिए हमें पानी गर्म करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये हमारा बेटी बिल्कुल तैयार चुका है। और देख लीजिए ऑन द बेड टॉवल से जो है हमारे बेबी का जो है पानी पोछा जा रहा है। और हमारा बेबी जो है पानी पछवा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, देख सकते हैं बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा। अब रो भी नहीं रहा है, क्योंकि नहाने के बाद इसे बहुत ठंडा ठंडा लगता है। जो हमारी वाइफ है हमारे बेबी को तैयार करेगी, उसका जो पानी वानी है वो तो हमने ही पोल दिया है, क्योंकि हमारी वाइफ गीली हो गई थी बेबी को नहलाने में। और हमारे बेबी अब वेरी होता है बेबी को, इसलिए पूरे बेबी को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पाउडर का जो है लुब्रिकेंट कर देते हैं। और इससे बेबी हम नहाने धोने के बाद आप देख सकते हैं बेबी कितना क्यूट लग रहा है और ताज़ा ताज़ा महसूस कर रहा है बेबी। और अभी एक्चुअली हमें जाना है एक प्रोग्राम में, मुंडन के कार्यक्रम में हमें जाना है खजराना मंदिर, तो उसी के लिए हमने हमारे बेबी जो है रेडी हो रहा है। और हमारे बेबी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अभी जो है इसको हम पूरे नीचे का हगीस वगैरह नहीं पहना रहे हैं अभी। हमारी तो गाइस मेरी वाइफ तो खा रही है खाना, और ये खा रही है मूंग की दाल रोटी सूत सूत के। अभी नहा धो के हो गए हैं रेडी। तो गाइस ये हो गए हम नहा धो के रेडी, हम खा रहे हैं ये इक्लेयर्स। इक्लेयर्स बढ़िया लगती है, इसलिए कभी कभी खा लेते हैं। देख रहा हूँ हम फ्रिज का लगा लेते हैं। तो फ्रिज में गाइस ये हमारा पनीर रखा है, हमारी वाइफ ने घर पे ही बनाया पानी, और अंडे भी रखे हैं, और पानी भी मांग रही थी हमसे, लेकिन अभी खुद ही पानी पी रही है। तो बनना चाहते हैं, लेकिन घर में रखी हुई जो चीज़ें हैं वज़न कम ही नहीं करने देती हमें। ये जैसे कि अब हमें ये खोपरा पाक मिल जाएगा खाने के लिए फ्रिज में से, तो गाइस वज़न कम करना बहुत मुश्किल है हमारी। वाइफ का आईब्रो बनाना है, तो ये जा रही है आईब्रो बनाने के लिए। मैडम को देखो जरा कैसी स्मार्ट लग रही है, गेट खोल दिया है। तो इसी के साथ हमारी वाइफ भी निकल जाती है घर से, और हमारी वाइफ को लेकर हम जा रहे हैं पार्लर की ओर। और ये देख लीजिए हमारी वाइफ को, हमको कुछ काम है जो बच्चे का मुंडन है उसके लिए कपड़े भी लेके आने हैं मार्केट से। तो सबसे पहले हम पहुंच गए ब्यूटी पार्लर, और ब्यूटी पार्लर से देख लीजिए बिल्कुल आईब्रो बना के आ चुकी है, और पैसे लेने आई है। अब पैसे लेके हम निकल चुके हैं सीधे कपड़े की दुकान पे, और बंसल वाले भैया के वहाँ से हमने बच्ची के लिए जो है एक ड्रेस ले लिया है, क्योंकि हमारी भतीजी है उसी का मुंडन के कार्यक्रम में हमको जाना है। तो उसके लिए हमने जो है ड्रेस पसंद कर लिया है अच्छा सा, ये वाला जो ड्रेस भैया पिक कर रहे हैं। और अब हम आ गए नाई की दुकान पे मुंडन के लिए, नाई भैया को लेने के लिए। और नाई भैया को लेके हम पहुँच जाते हैं खजराना गणेश मंदिर। और खजराना गणेश मंदिर पर जो है हमारे भैया हैं और हमारी जीजी वगैरह सब आए हुए हैं, तो हम गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं। देख लीजिए नाई भैया भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं, और हम चल देते हैं जहाँ पर बच्चे का मुंडन का कार्यक्रम होना है। और आपको भी अगर अपने बच्चे का मुंडन का कार्यक्रम करना है तो खजराना गणेश मंदिर पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर व्यवस्था है बनी हुई है। और नाई भैया को छोड़कर अब हम निकल जाते हैं हमारी मम्मी को पिकअप करने के लिए। हाँ, सेल्फी क्या देर था? और हम घर आके चेक बच हो गए। हाँ सेल्फी की मम्मी क्या देरदार, चल आ गए सब। वहाँ छोटे से मोजे भी देख लो नए नए। ये क्या है गीला? ये पहले मोती थी वो।
तो गाइस अब मैं मेरी मम्मी को लेके जा रहा हूँ खजराना गणेश मंदिर पर छोड़ने के लिए, जहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है। ऑलरेडी हमारे जो रिलेटिव है वहाँ आ चुके हैं। हमारी मम्मी को नमस्ते कर दीजिए सब लोग कमेंट में। और ये हम पहुँच गए खजराना गणेश मंदिर, मम्मी को छोड़ के वापस निकल दिया हम घर की ओर। यही रास्ता है जो हमारे घर की ओर जाता है खजराना गणेश मंदिर से, सीधे चंद मिनटों की दूरी पर हमारा घर है खजराना गणेश मंदिर से। और अब घर जाके हम चेक करते हैं हमारी वाइफ तैयार हुई कि नहीं हुई। इनको लेके जाना है, ये पहले लेट पे लेट करे जा रहे दोनों माँ बेटी कहीं के, इतना समय लगता है इनको कहीं भी जाने आने में, पागल लोगों ने। सेल्फी देख इधर देख, सेल्फी देख दोस्त को। तो गाइस फाइनली हम खजराना गणेश मंदिर के लिए निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं और पहुंच गए हैं। और पार्किंग में हमारी गाड़ी हमने पार्क कर दी है और हमारी बेटी, हमारी वाइफ और मैं अब हम जा रहे हैं जहां पर मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है वहीं पर। और यहां पर जो है हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई, आपको आगे बताते हैं क्या ट्रेजेडी हो गई। अभी तो जो मुंडन का कार्यक्रम हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए जो भतीजी है हमारी, उसके जो है बाल उतार रहे हैं। और इन्हीं भैया को हम लेके आए थे, 251 रुपये इन्होंने लिए हैं बाल उतारने के। और जो मुंडन का कार्यक्रम अब चल रहा है आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसी का मुंडन का जो है कार्यक्रम चल रहा है। और बच्ची रो रही है इसलिए उसे मोबाइल दिखाया जा रहा है ताकि बच्ची रोए नहीं। और ये मेहमान उन्हें हमारे जो है भांजे भांजी लगते हैं हमारे, और हमारे जीजी वगैरह सभी आए हुए हैं। और फाइनली जो है बच्ची का मुंडन लगभग हो चुका है। और जो है अस्तूरे का यूज़ नहीं किया गया है, जो मशीन आती है वो लगाई गई है। और थोड़ा सा एक अस्तूरा लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए भैया ने क्या करा अस्तूरा थोड़ा सा फेर दिया एक जगह पर और हल्दी लगा दी, क्योंकि पूरे माथे पर हल्दी लगाते हैं ये मुंडन करने के बाद। और जो मुंडन के बाल होते हैं कांटे की लोई में जो है झेल लिए जाते हैं। ये देख लीजिए अब जो है मुंडन का कार्यक्रम होने के बाद जो बच्ची के सर में हल्दी मलने का जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिससे बच्ची को सर में जलन ना हो। वो पीछे हमारी वाइफ बैठी हुई है, हंस रही है, आप देख सकते हैं मंद मंद मुस्कुरा रही है। और ये देख लीजिए बच्ची के जो है माथे पर अभी साथिया बना ही रहे थे और चल ही रहा था, इतने में हमें उधर से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है कि हमारा जो सेल्फी है उसने पोटी कर दी है, और हमारी सेल्फी ने पोटी कर दी है, इसी कारणवश हमें घर की ओर जाना पड़ रहा है। और हमारी वाइफ पे हमें गुस्सा कर दिया था तो हमको वापस घर आना पड़ा। और अब बेतू के कपड़े बदल के अब हम वापस जाके अब हम वापस मंदिर पहुँच गए। और खजराना गणेश मंदिर पे हम दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। खजराना गणेश मंदिर पे ये हमारी भतीजी है जिसका मुंडन हो चुका है, और अब गणेश मंदिर पर इसे दर्शन कराए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। और आपको खजराना गणेश मंदिर पे हम गणेश जी के दर्शन भी कराएंगे। ये हमारी वाइफ जो है उधर की लाइन में लगी हुई है। और खजराना गणेश मंदिर पे 3 लाइन होती है अगर आप खाली दर्शन करने आए हैं, और अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं तो जो आगे की सेकंड और थर्ड रो है आप इसका यूज़ कीजिए, और प्रसाद वगैरह आगे से घूमकर भी आप चढ़ा सकते हैं। और जो है सब मेहमान अब चल दिए हैं क्योंकि दर्शन भी हो गए हैं और बच्ची का मुंडन भी हो गया, लड्डू प्रसाद वितरण का जो है कार्यक्रम चल रहा है। तो हम भी चले गए हमारे हिस्से का लड्डू लेने के लिए, और लड्डू वड्डू खा के निकल देते हैं अब हम घर की ओर। तो ये हमारी सेल्फी और हमारी मम्मी, पहले हम इन्हें घर छोड़कर आ जाएंगे, उसके बाद हम अगेन आ जाएंगे हमारी वाइफ को पिकअप करने के लिए। और ये हमारा घर देख लीजिए छोटा सा। और हमारी बेटी जो है बिल्कुल सो गई थी मंदिर पर, और अब ये घर पर सो जाएगी, इसलिए अब हम निकल जाते हैं हमारी वाइफ को पिकअप करने के लिए जल्दी से। और फाइनली हम पहुंच गए हमारी वाइफ के पास और इसे पिकअप करके निकल जाते हैं हम घर की ओर। लेकिन नहीं है, हमारी वाइफ बोलती है कि हमें खाने पानी बता से और गन्ने का जूस भी तो पीना है, तो लड्डू जो मिला था वो भी पापा को दे देते हैं। तो हम पहुँच जाते हैं पापा के कन पापा को लड्डू खिलाने के लिए। हाँ तो भैया, पापा को लड्डू देने के बाद उसके बाद पापा जो है एयर कंडीशनर में रहते हैं अंदर, वही हमारी वाइफ को बता रहे हैं कि कूलर चल रहा है अंदर, गर्मी नहीं है। फिर हम सीधे पहुँचते हैं पानी पूरी खाने राकेश चाट चौपाटी पे, उसके बाद हम पीते हैं गन्ने का जूस। और गन्ने का जूस बहुत ही कड़वा लगा क्योंकि भैया ने बिल्कुल उसके अंदर जो है नींबू मिला दिया था। और ये भैया जो बना रहे हैं, हमारी वाइफ ऐसे बिना नींबू का जूस पीती है, लेकिन ये यहाँ पर बोलना भूल गई थी कि भैया नींबू मत डालना, जिस कारण जो है गन्ने का रस है बहुत ही कड़वा हो गया था। और ये हम खजराना ब्रिज के वहाँ पी रहे हैं। खजराना के ब्रिज का काम जो है निरंतर चल रहा है पिछले एक साल से, और लगभग पूरा ही होने वाला है। और ये खजराना गेट का निर्माण जो है 2 करोड़ की लागत से हुआ है। और इतने में हमारा जूस जो है वो भी बन के आ जाता है।
और सही में जूस का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही गंदा था हमारा, बहुत ही कड़वा जूस बना के दिया था भैया ने, पैसे भी वसूल नहीं हो पाए हमारे। तो एक गिलास जूस हमने पैक भी करवा लिया हमारी मम्मी के लिए भी, और ये हमारी वाइफ बर्फ घोल के पी रही है और हमको दे रही है, बोल रहे मेरे से तो पिवा नहीं रहा है। और ये जो जूस पैक करा है इसे लेकर निकल देते हैं हम घर की ओर, और घर पर पहुँच कर हमारी मम्मी को हमारी वाइफ ने दे दिया जूस, और चप्पल उप्पल उतार के जा रहे हैं हम अंदर। हमारी बच्ची जो है उठ चुकी है, और रास्ते में हमने ये काजल भी लिया था 50 रुपये का, हमारी बच्ची का जो है काजल ख़त्म हो गया था। और अब हम चेंज वेंज कर लेते, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते क्योंकि थक गए हैं, और हमारे बेबी को हम खिला लेते हैं। हमारी वाइफ जो है हमारी बेबी को खिला रही है, और हमारा बेबी जो है बहुत ही चंट है, बहुत ही मस्ती खो रहे और मस्ती करता है हमारा राजा जी। तो फिर हमारा बेतु ऐसा उसकी मम्मा के साथ खेल लेता है थोड़ा, क्योंकि अभी ये जग रहा है। और हमारा राजा जी अभी थोड़ा सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा है, और मम्मा के साथ खेल रहा है। कैसा है हमारा बेबी? छे ए छे छे मेरा बेतु, हाँ ऊपर भी तो देख लो ना जरा उठा के। सेल्फी का हमने मंगाया था डाइपर जो कि आ चुका है। अब इसकी अम्मा जो है अनबॉक्सिंग करेगी डाइपर की। और ये हमारे बेटू का डाइपर का बक्सा जो है खुल चुका है, और ये निकल गया हमारे बेटू का डाइपर। और ये हमारे बेटू इधर अलग झुंझुने से खेले जा रहा है। और ये जो बेस्ट डाइपर होता है वो हगीज़ का ही होता है। हमने मैनी पको पेंट और 2-3 और ब्रांड यूज़ करे हैं हमने, तो सबसे बेस्ट है जो है आगे इसका लीकेज भी नहीं होता। कल की साड़ी ये पहन के अब ये होगी तैयार। और हमारा बेतू जो है अकेले ही खेल रहा है, और बेतू किसी की ज़रूरत नहीं होती खेलने के लिए। प्रोग्राम में जाने के लिए एक बार फिर सेल्फी जो है तैयार हो जाती है, और सेल्फी अभी अपना मुंह धुला रही है, देख सकते हैं सेल्फी का मुहैया जो है धुल चुका है, पूछ चुका है। बीच खोल रही है, नया जो पैकेट आया था इज्जत से तो खुलने की रखी ही नहीं है, पूरी तरीके से चीरहरण करके ही हगीज निकाला जा रहा है डब्बे से। हाँ तो गाइस जो इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड चलता रहता है उसी ट्रेंड के हिसाब से जो है सेल्फी देख लीजिए अभी तैयार होगी। ये जो है सेल्फी के कपड़े आ गए, और फिर देख लेना एकदम से सेल्फी आ जाएगी हमारी। सेल्फी का रुमाल, और ये जो है हेयर बैंड है ये भी आ गया है, और ये आ गई सेल्फी। और सेल्फी जो है तैयार होके बिल्कुल मस्त लग रही है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी लग रही है, इसलिए इसे काजल भी लगा दिया ताकि इसे नज़र ना लगे। और हमारे जो है मम्मी पापा इनके लिए हम कर देते हैं रेपिडो बुक, तो फाइनली हमने जो है रेपिडो इनके लिए बुक कर दिया है। और रेपिडो का जो हमारा OTP है 7504 है, और खजराना गणेश मंदिर से ही जो है रेपिडो आ गया, और मम्मी पापा को हमने इसमें बिठा दिया है। और हमारी वाइफ भी हो गई है रेडी, बहुत ही देर से जो है रेडी हुई है, इसलिए इसने ना बहुत सारी हमारी डांट भी सुनी है। और हमने क्योंकि इसने ना 8 बजे दी है, 6 बजे से तैयार हो रही थी। लेडीज़ों को तैयार होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, ये बात तो है, लेकिन इसको तो ज़्यादा से भी ज़्यादा समय लगता है। मतलब ऐसा पूरा दिमाग ही ख़राब कर देती है, 1-1.5 घंटे से साड़ी पहन रही है, और ऐसा दिमाग ख़राब होता है ना बिल्कुल। लेकिन आप क्या करें, शादी करना भी ज़रूरी होता है गाइस। और फिर हम जो है कनाड़िया रोड पकड़ के पहुँच जाते हैं सीधे तिलक नगर की ओर, और तिलक नगर में रोड पे एंट्री लेते हैं हम। और फिर तिलक नगर से अब हम जाएंगे ग्वालटोली की ओर, छोटी ग्वालटोली में जाना है, जिस बच्ची के मुंडन के कार्यक्रम में हम दिन में गए थे उसी के हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि रात का भोजन भी उन्हीं के वहाँ ही था। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं हमारे भैया के वहाँ, विनय भैया के वहाँ, और हमारी वाइफ भी ले लेती है एंट्री। और फिर यहाँ पर हम भोजन का जो है कार्यक्रम है उसे निपटा देते हैं। और भोजन वगैरह का कार्यक्रम निपटाने के बाद हमने हमारी मम्मी पापा के लिए जो है रेपिडो बुक कर दिया है, और उन्हें ऑटो में बिठा दिया है, और रवाना कर दिया है घर के लिए। और हमें और मेरी वाइफ भी निकल जाते हैं, और रास्ते में दिखता है गन्ने का जूस। तो जो है हमारी वाइफ थोड़ी सी खाने पीने की चटोरी है, और हम भी थोड़े से चटोरे हैं, इसलिए जहाँ भी हमको दिखता कुछ खाने पीने का हम रुक जाते हैं। हमारा बेटू तो जो है सो रहा है अभी भी, और हमारे गन्ने का जूस जो है बन रहा है। और यहाँ पर भी हमारे साथ जो है ट्रेजेडी हो गई, दिन में भी हमने कड़वा गन्ने का जूस पिया, और यहाँ पर भी भैया ने जो जूस दिया टेस्ट करने पर बहुत ही कड़वा था ये, तो मैं तो फिर भी पी गया, अपने को तो क्या है पीना ही है, और जैसे तैसे। लेकिन मेरी वाइफ से जो है पिवा ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ही कड़वा जूस था। तो फिर हमने भैया को बोला कि भैया जूस तो कड़वा है, तो भैया ने फिर हमें जो है नया जूस बना के दे दिया।
और फिर मतलब भैया ने पैसे भी नहीं लिए एक्स्ट्रा, और फिर बंगाली का रोड पकड़ कर निकल दिया हम हमारे घर की ओर। और घर पर हम जाते हैं तो देखते हैं हमारी मम्मी पहले से ही स्प्राइट ला के रखती है हमारे लिए, क्योंकि हम पूड़ी खा के आए हैं, जीवी ना घबराए, इसलिए स्प्राइट है तो इसलिए हमने स्प्राइट पी ली। और स्प्राइट पीने के बाद ये हमारी वाइफ जो है सोच रही है अब क्या करूं मैं, क्योंकि इसको फोटोशूट करवाना था इसलिए ये खड़ी हुई है, साड़ी इसने उतारी नहीं। हमारे बेटू भी बिल्कुल पड़ा हुआ है, इसे नींद आ गई थी वहाँ पर, इसने बहुत ही परेशान करा, हमें बहुत रोया। और फिर हमारी वाइफ ने भी कपड़े चेंज कर दिए, हमारी बेटी ने भी कपड़े चेंज कर दिए, और हमने भी कपड़े चेंज कर लिए। और इसी के साथ हमारा डे हुआ यहाँ समाप्त। आशा करते हैं हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो हमारे व्लॉग इसी तरह आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।